सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यू फैमिलीज या फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, हमारे सामने प्लांट एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली हम प्लांट नहीं है हमारे सामने नहीं है, हम प्लांट्स को अलग अलग टर्म के लैंग्वेज में डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इस फैमिली में ये प्लांट है, इसके पास ऐसा रूट, ऐसा लीफ, ऐसा स्टेम, ऐसा फाइलोटैक्सी, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस, ऐसा फ्रूट, ऐसा कैरिक्स करोला, एंड्रोसियम गायनोसियम होगा। सेमी टेक्निकल मैनर में नॉट जो है कि जो है प्लांट हम ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेमी टेक्निकल मैनर। थोड़ा सुनिएगा, इसमें कुछ बातें मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक है फ्लोरल फॉर्मूला, आइए सुनिए समझिए। फ्लोरल फॉर्मूला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर विथ रेफरेंस टू, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर विथ रेफरेंस टू कोहेशन, एडहेशन, सिमेट्री, नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सुनिएगा, मैंने बोला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर विथ रेफरेंस टू कोहेशन, एडहेशन, सिमेट्री, सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है। तो फ्लावर में जो फ्लोरल पार्ट है उनका कोहेशन आपस में कैसा है, उनका एडहेशन सिमिलर स्ट्रक्चर के साथ कैसे अरेंज है, डिसिमिलर स्ट्रक्चर के साथ कैसे अरेंज है, क्या सिमेट्री है, क्या सेक्सुअलिटी है, कैसे ओव्यूल है, गाइनोसियम या ओवरी का क्या कंडीशन है, स्टेमेन कैसे है, एवरीथिंग को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना फ्लोरल फॉर्मूला बोला जाता है। थोड़ा सुनिएगा, सिंबल्स में अगर हमने BR लिखा तो रिप्रेजेंट करेगा ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्टिएट फ्लावर। EBR अगर हमने लिखा तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूं, ब्रैक्ट प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ पेडिसिल ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट एब्सेंट है जो है एट द बेस ऑफ पेडिसिल ई ब्रैक्टिएट। हमने BRL लिखा तो ये हो गया ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, ठीक है। हमने लिखा EBRL तो ये हो गया ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर। ब्रैक्टियोल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द पेडिसिल, ब्रैक्ट स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसिल। हमने जो है EPI लिखा, EPICALYX रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये है सिंबल्स, सिंबल्स ब्रैक्टिएट फ्लावर के लिए BR, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर के लिए EBR, ऐसा EPI लिख दिया। थोड़ा सुनिएगा, हमने लिखा K तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स, हमने लिखा के और नीचे नंबर ऑफ सेपल तो ये है पॉलीसेपेलस, ठीक है। हमने लिखा के नंबर ऑफ सेपल ब्रैकेट में लिख दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस, ठीक है। हमने लिखा सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोला, हमने लिखा सी और नंबर ऑफ पेटल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीपेटलस, आइए सुनिए समझते रहिए पॉलीपेटलस। हमने लिखा सी नंबर ऑफ पेटल को एन से रिप्रेजेंट किया, ब्रेकअप में डाल दिया गैमोपेटलस, गैमोपेटलस। हमने लिखा पी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरियंत, पी के नीचे नंबर, ये जो है पॉलीटेपेलस या पॉलीफाइलस, ठीक है, पॉलीटेपेलस या पॉलीफाइलस रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने पी के नीचे नंबर ऑफ टेपल को ब्रैकेट में लिखा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैमोटेपेलस या गैमोफाइलस, गैमोफाइलस, ठीक है। थोड़ा इरेज करते हैं, स्पेस लेते हैं थोड़ा सा, ये मैं इरेज कर रहा हूं, और भी थोड़ा सिंबल्स यूज करते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं,
ठीक है। तो देखिएगा हमने लिखा ए मतलब एंड्रोसियम, ठीक है, और ए यहां पर लिखा इनफाइनाइट तो मेनी स्टेमेंस, ए के आगे हमने इनफाइनाइट का सिंबल दिया, दिस रिप्रेजेंट मेनी स्टेमेंस, ठीक है। मैंने ए और सी के बीच में ऐसा एरो किया, ठीक है, या ऐसे ऐसे करते हैं, सी के बाद ए आता है, एरो ऐसा किया, तो दिस रिप्रेजेंट इपिपेटलस, ठीक है। पी और ए के बीच में मैंने सिंबल किया, दिस रिप्रेजेंट इपिटेपेलस, इपिटेपेलस। हमने जो है ए और जी के बीच में एरो किया, तो ये गाइनेंड्रस रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइनेंड्रस। जी लिखा तो गाइनोसियम, ठीक है, जी के नीचे मैंने लाइन किया, तो ये हो गया हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। जी के ऊपर लाइन किया, तो ये जो है इपिगाइनस, इंफीरियर ओवरी। जी के साइड में लाइन किया, तो पेरिगाइनस, पेरिगाइनस, हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर ओवरी, हाफ सुपीरियर ओवरी मैंने मेंशन किया। जी के नीचे जो है, जी के आगे एन लिखा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपोकार्पस कंडीशन, अपोकार्पस। जी के आगे एन लिख के ब्रेकट कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। तो सुनिएगा, मैंने कुछ ऐसा सिंबल यूज किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। मैंने ये रिप्रेजेंट किया यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। यहां पर दिस सिंबल रिप्रेजेंटिंग यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, ठीक है। इतने सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। इरेज करते हैं, फ्लोरल डायग्राम के बारे में कुछ बातें करते हैं, सब कुछ मैं कनेक्ट करूंगा एट द एंड, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, इरेज कर रहा हूं मैं। बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम की, आई नीड योर अटेंशन। फ्लोरल फॉर्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्लोरल डायग्राम, इट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर दैट टेल द ग्राउंड प्लान ऑफ फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू द मदर एक्सिस, जो पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है, मेंशन किया। इट इज डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मदर एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मदर एक्सिस, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मदर एक्सिस, टेलिंग अबाउट, टेलिंग अबाउट ग्राउंड प्लान, ग्राउंड प्लान ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर, लाइक सिमेट्री, सेक्सुअलिटी, कोहेशन, एडोहेशन, एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन एक्सेट्रा। पॉइंट समझिएगा, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, काम दोनों का सेम है। अगर हम फनल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फनल शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है पेरियंथ को, पेरियंथ या टेपल को,
थोड़ा सुनिएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना दिया या कहीं कहीं पर सेम स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बनाते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट कैलेक्स या सेपल। हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, दिस रिप्रेजेंट करोला या पेटल। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टमेन के लिए, कहीं कहीं पर ये डाइथिकस जो है एंथर या स्टमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोनोथिकस कंडीशन कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर द एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या स्टमेन, और सिंपल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं कार्पेल या ओवरी या गाइनोसियम को, गाइनोसियम को। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समवॉट फनल शेप या दीज आर फ्यू डायग्राम्स जो जो है फ्लोरल डायग्राम में यूज होंगे। इरेज करके बात आगे ले चल रहे हैं, ये इरेज करता हूं मैं। एनसीईआरटी में तीन फैमिलीज हैं जो है फेबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी, इन्हीं को थोड़ा हम हाईलाइट कर रहे हैं। सो थोड़ा सुनिएगा, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, पहले हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। नीड योर फुल अटेंशन, फ्लोरल फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं फ्लोरल फॉर्मूला को लिखने और याद करने का ट्रिक। थोड़ा सुनिएगा, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पता है बट आपने कभी अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अमेजिंग बात आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सुनो सुनो सुनो। फर्स्ट हमेशा फर्स्ट आता है, वाह क्या बात बताया, पता था ना। सेकेंड हमेशा सेकेंड ही आता है, ये भी आपको पता था। लास्ट हमेशा लास्ट आता है, थोड़ा सुनिएगा इसको मैं रिलेट कैसे कर रहा हूं। फर्स्ट हमेशा फर्स्ट आता है, सेकंड हमेशा सेकंड आता है, और लास्ट हमेशा लास्ट ही आता है। एफ से मैंने लिया फेबेसी, एस से लिया हमने सोलेनेसी, एल से लिया हमने लिलियेसी। सुनिएगा, फेबेसी और सोलेनेसी ये डाइकॉट फैमिली है, डाइकॉट फैमिली प्लांट, और ये जो है मोनोकॉट फैमिली है लिलियेसी। डाइकॉट में कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट में जो है कैलिक्स करोला के प्लेस पर पेरियंथ प्रेजेंट होता है। तो देखिएगा मैंने यहां पर लिख दिया के सी ए जी, के सी ए जी पी ए जी, कैलिक्स करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पेरियंथ, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तीनों के तीनों जो है फैमिलीज में बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। सुनेगा, फेबेसी मोस्टली जाइगोमॉर्फिक होता है, बाकी दोनों जो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिएगा, यहां सोलेनेसी में ब्रैक्ट प्रेजेंट हो सकता है, लिलियेसी में भी ब्रैक्ट प्रेजेंट हो सकता है, ये यहां पर ब्रैक्ट प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, ब्रैक्ट या ई ब्रैक्टिएट, समझा, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट दोनों हो सकते हैं फेबेसी फैमिली में। आइए सुनिए समझिए, देखिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बीआर या ई बीआर। सो तीनों के तीनों बाइसेक्सुअल हैं, एक जाइगोमॉर्फिक है, बाकी दोनों एक्टिनोमॉर्फिक हैं, दो में ब्रैक्ट, एक में ब्रैक्ट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। कैरिक्स करो एंड्रोसियम गाइनोसियम, और जो है मोनोकॉट में पेरियंथ एंड्रोसियम गाइनोसियम। थोड़ा सुनेगा, फैमिली को क्वेश्चन में पहचानने का सबसे पहला क्लू दे रहा हूं, जो है फर्स्ट हमेशा फर्स्ट आएगा, सेकंड हमेशा सेकंड आएगा, लास्ट हमेशा लास्ट, मतलब थ्री नंबर आ गया, वन टू थ्री। फेबेसी सोलेनेसी लिलियेसी में वन कार्पेल, टू कार्पेल एंड थ्री कार्पेल, ठीक है, वन कार्पेल, टू कार्पेल एंड थ्री कार्पेल। नीड योर अटेंशन, तीनों में, तीनों फैमिलीज में ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस कंडीशन है।
कार्पेल एक है वो सिन है या अपोकार्पस है, डजंट मैटर। कार्पेल दो है, दोनों सिन कार्पस है। कार्पेल तीन है, तीनों सिन कार्पस है। समझिएगा, कैलिक्स यहां पर फाइव सेपल है और गैमोसेपैलस है। फाइव सेपल है और गैमोसेपैलस है। फेबेसी में एस्टिवेशन वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। फेबेसी में एस्टिवेशन ऑफ पेटल वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। सो करोला में पांच पेटल है, वन प्लस टू प्लस टू फ्यूज्ड, वन प्लस टू फ्यूज। और फेबेसी में डायडेल्फस स्टेमेन होता है, नाइन प्लस वन, नाइन प्लस वन या वन प्लस नाइन ब्रेकअप होना चाहिए अराउंड द नाइन। सो ये हो गया जो है फेबेसी का स्टोरी, फाइव वन प्लस टू ब्रेकअप में। ये जो है ब्रेकअप इस जो है टू पर भी लगा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक टू के अराउंड ब्रेकअप होना चाहिए। ये वेक्जिलम या स्टैंडर्ड है, ये जो है विंग्स या अले है, और ये कील या करीना है, हमने एस्टिवेशन में बताया था। ये डायडेल्फस हो गया। थोड़ा सुनिएगा, फिर सोलेनेसी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं। सोलेनेसी का जो है ट्रिक है फाइव 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 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, फाइव 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 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। मैंने बोला यहां पर सेपल फाइव, पेटल फाइव, स्टमेन फाइव, फाइव 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 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, फाइव 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 फ्यूज्ड फ्यूज्ड। पेरियंथ में सिक्स टेपल होंगे, तीन बाहर तीन अंदर की तरफ, तो थ्री प्लस थ्री, और ये जो है गैमोटेपैलस होंगे। और सिक्स स्टेमेन होंगे, तीन स्टेमेन बाहर वाले टेपल से, तीन स्टेमेन अंदर वाले टेपल से अटैच होंगे। यहां पर भी थ्री प्लस थ्री कंडीशन होगा। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, सोलेनेसी को रिकॉग्नाइज करने का एक और यहां पर जो है, देयर इज एडहेशन, देयर इज इपीटेपैलस कंडीशन, एंड हियर देयर इज इपीफाइलस कंडीशन। इपीपेटैलस और इपीफाइलस कंडीशन है, ठीक है। तो आप इसको एरो सिंपल कर्व कर दीजिए या आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। सो वन टू थ्री, सबसे पहले तो जो है गाइनोसियम देखेंगे, किसी भी फैमिली को समझ जो है जानने के लिए। अगर जो है नीट में क्वेश्चन आया तो वन आया तो जो है फेबेसी, टू आया तो जो है सोलेनेसी, थ्री आया तो लिलियसी। टू और थ्री के अराउंड ब्रेकअप होना ही चाहिए, तभी हम इसमें जो है फैमिलीज को चूज करेंगे। उसके बाद हम एंड्रोसियम देखा, डायडेल्फस, करोला देखा, वेक्सिलरी एस्टिवेशन और ये गैमोसेपैलस। हर एक टर्म को अच्छे से क्वेश्चन में जो है, कोई भी टर्म को जो है गलत लिख सकते हैं। सीधा का सीधा फॉर्मूला फाइव फाइव फाइव, इसको फ्यूज और इसको फ्यूज करवा देंगे, जो है करोला को जो है पॉली कर देंगे, गैमोपेटलस की जगह पर पॉलीपेटलस, तो गलत हो जाएगा। या कर्व जो है यहां पर इपीपेटलस कंडीशन ही नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा हो सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक है तो जाइगोमॉर्फिक कर सकते हैं, ये मैंने बताया सिंपल। सो क्वेश्चन में फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे से लिखेंगे, फिर ऑप्शन में फैमिली आपसे पूछेंगे, बड़ा आसान है। क्वेश्चन में जो है फैमिली दे देंगे और ऑप्शन में फ्लोरल फॉर्मूला दे देंगे, तो आपको अच्छे से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हर एक टर्म सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये था फ्लोरल फॉर्मूला, सिक्स पेपर, तीन बाहर तीन अंदर, सिक्स सिस्टम इन, तीन बाहर तीन अंदर, समझा। तो यहां पर फ्लोरल फॉर्मूला में हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, फाइव सेपल है, गैमोसेपैलस है, फाइव पेटल है, वेजिलरी एस्टिवेशन है, टेन स्टैमेन है, डायडेल्फस है, एक ओवरी है, ठीक है, एक ओवरी है, दो ओवरी है, तीन ओवरी है, एक कार्पेल है, दो कार्पेल है, तीन कार्पेल है, सिन कार्पस, एवरीथिंग, बहुत सारी बातें फ्लोरल फॉर्मूला के थ्रू फ्लावर के रेफरेंस में वी कैन से, समझा। तो ये था ट्रिक फॉर फ्लोरल फॉर्मूला। इरेज करके एग्जाम्पल की बात करते, ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करते हैं, एग्जाम्पल से रिलेटेड बात करते हैं। यहां पर मैंने फेबेसी
ये रहा सोलेनेसी और ये रहा लिलियेसी। लिलियेसी मोनोकॉट है, तो सुनिएगा, सोलेनेसी में हमने बोला सनसेट लिप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलेठी। सनसेट लिप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलेठी। एस और एस सनहेम्प लिया, सेसबैनिया लिया। एल से लिप से मैंने ल्यूपिन लिया। टेस्टेड से मैंने ट्राइफोलियम लिया। पी से हमने जो है यहां पर पी में जो है पाइजम सटाइवम, ये गार्डन पी है या एडिबल पी इसको बोलते हैं। और दूसरा पी में एक मैं ले सकता हूं जो है लथायरस ओडोरेटस, लथायरस ओडोरेटस, ये स्वीट पी है। पॉड में मैंने तीनों लेटर को कैपिटल में लिखा है। पी से पर्ल्स यहां पर मेंशन कर रहा हूं, अरहर मूंग ग्राम, ठीक है, सोयाबीन, ये सब यहां पर आ जाएंगे। ओ से ऑयल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऑयल में जो है ग्राउंड नट और सोयाबीन ऑयल भी इसमें मेंशन कर सकता हूं। और डी से मैं डाई ले रहा हूं, डाई में ब्लू कलर का डाई इंडिगो फेरा प्लांट से मिलता है, ब्लू कलर का डाई, ठीक है। एंड का कोई मतलब नहीं, मुलेठी इटसेल्फ इज मुलेठी, ठीक है, इसका जो है मेडिकल इंपॉर्टेंस होता है, मेडिकल इंपॉर्टेंस है। तो सनसेट लिप टेस्टेड पी पॉड एंड मुलेठी, ये रहा ट्रिक टू मेमोराइज द एग्जांपल ऑफ द फेबेसी। सोलेनेसी में थोड़ा सुनिएगा, मैंने बोला बेला अश्वापे टोबैको सब्जी लेने चली। बेला अश्वा पे टोबैको सब्जी लेने चली। अश्वा, अश्वा मतलब घोड़ा या हॉर्स। सो बेला से बेलाडोना, अश्वा से अश्वगंधा। साइंटिफिक नेम है विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया सोमनीफेरा। पी से पेटूनिया हो गया, टोबैको से टोबैको इटसेल्फ हो गया, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम, ठीक है, साइंटिफिक नेम है फ्यूमिगेटरी मटेरियल के जैसा, फ्यूमिगेशन धुआं करना, जो मॉस्किटो को भगाने के लिए धुआं किया जाता है ना, काइंड ऑफ फ्यूमिगेटरी एजेंट के जैसा सब्जी, सब्जी में आ जाएगा टोमैटो, पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई भी आ जाएगा, मकोई। टोमेटो लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, स्कुलेंटम। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलांजना, ये जो है आगे भी आएगा जो है साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये आपको इसके साइंटिफिक नेम इवन द लिविंग वर्ल्ड में जब हम जीनस और स्पीशीज की बातें करेंगे। सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, तो ये सोलेनम जो है, ठीक है, लिख देते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये हो जाएगा सोलेनम मेलॉनजेना, मेलॉनजेना, और ये हो जाएगा सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है। तो ये रहे साइंटिफिक नाम जो है टोमेटो का, साइंटिफिक नाम हम लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम से याद रखेंगे। बेला अश्वा पे जो है बेलाडोना, ये स्पाइस हो जाएगा, अश्वगंधा का मेडिकल यूज है, पेटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसा यूज होता है, ये सब जो है वेजिटेबल्स हो जाएंगे। ये था सोलेनेसी का एग्जाम्पल, बेला अश्वा पे टोबैको सब्जी लेने चली, ठीक है। थोड़ा इरेज करके लिलियेसी के लिए स्पेस गेन करते हैं।
लिलियसी फैमिली थोड़ा देखिएगा, मैंने बोला आसपास, आसपास अकेला कोच, आसपास अकेला कोच ग्लोरियस टैलेंटेड है, ग्लोरियस टैलेंटेड है, आसपास अकेला कोच ग्लोरियस टैलेंटेड है। आसपास से अस्परागस, अस्परागस, अकेला से अलोवेरा, कोच से कॉल्चिकम, ग्लोरियस से ग्लोरियोसा और टैलेंटेड से ट्यूलिप, टैलेंटेड से ट्यूलिप हो जाएगा। ठीक है, कॉल्चिकम ये एक माइटोटिक पॉइजन है, इसको हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन में बता चुके हैं। कॉल्चिकम ऑटमनेल पूरा नाम है, कॉल्चिकम ऑटमनेल। ठीक है, क्रोमोजोम को डबलिंग करता है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को अरेस्ट करता है, क्रोमोजोम डबलिंग करता है। एलोवेरा ये जो है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हो जाएगा। आसपास अकेला कोच ग्लोरियस टैलेंटेड है, ट्यूलिप और ग्लोरियोसा ऑर्नामेंटल प्लांट हो जाएंगे। अब आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल का तो ट्रिक हमने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में थोड़ा देखिएगा कौन सा प्लांट मेडिसिनल प्लांट है, कौन सा प्लांट जो है पल्स प्लांट है, कौन सा प्लांट स्पाइस है, कौन सा प्लांट ऑर्नामेंटल है, कौन सा प्लांट फॉर्डर के जैसा यूज होता है, जो है एनिमल्स के चारे के जैसा, ये थोड़ा आपको जो है एनसीईआरटी से कट शॉर्ट करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दो टाइप के मिलेंगे, एग्जाम्पल रहेगा क्वेश्चन में, फ्लोरल फॉर्मूला रहेगा ऑप्शन में, फ्लोरल फॉर्मूला रहेगा क्वेश्चन में, ऑप्शन में एग्जाम्पल्स देंगे, अच्छे से कनेक्ट कर लीजिएगा, पॉइंट समझा, ये इरेज कर रहा हूं मैं। आइए थोड़ा जल्दी से फिनिश कर लेते हैं फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम कभी कभी जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम, फेबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी, फ्लोरल डायग्राम थोड़ा सुनिएगा, फ्लोरल फॉर्मूले का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अब यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सो पांच पेटल थे, सेपल थे, फाइव सेपल्स थे, यहां जो है हमने देखा था सेपल को, सेपल को मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, सेपल जो है गैमोसेपल्स थे, तो हम इनके बीच में अटैचमेंट शो कर दे रहे हैं, और वॉल्वेट एस्टिवेशन था, जस्ट टचिंग था, ओवरलैपिंग नहीं था, पेटल वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रहा था, तो एक फ्री पोस्टीरियर, दो लैटरल पेटल और दो एंटीरियर पेटल फ्यूज्ड, दो एंटीरियर पेटल फ्यूज्ड। ठीक है, सो एक पेटल जो है, पेटल को हम जो है ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो एक पोस्टीरियर लार्ज पेटल जिसको हम वेक्सिलम या स्टैंडर बोलते हैं, दो लैटरल फ्री पेटल और दो एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल। तो देखिएगा यहां पर ये एक स्टेमेन है, ये दूसरा स्टेमेन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौ, नौ स्टेमेन एक तरफ है और एक स्टेमेन अलग से मैंने बनाया। ठीक है, और नौ स्टेमेंस के बीच में मैं ज्वाइनिंग रिप्रेजेंट करूंगा, नाइन प्लस वन, ऐसा थोड़ा सिंपल डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये हो गया नाइन प्लस वन। नीड योर अटेंशन, एक ही ओवरी है, मोनोकार्पेलरी है, सिंगल कार्पेल है, और फेबेसी में होता है मार्जिनल प्लासेंटेशन, यूनिलॉकुलर मार्जिनल प्लासेंटेशन, ये ओव्यूल मार्जिन पर अटैच होता है, पॉइंट समझा, तो ये हो गया सेपल और इन सब को मिला के मैंने बोला पेटल, ये हो गया स्टमेन और ये हो गया ओवरी के अंदर, ये हो गया ओव्यूल। ठीक है, ओवरी यूनिलॉकुलर है, ओवरी यूनिलॉकुलर है, ओव्यूल
मार्जिनल प्लासेंटेशन शो कर रहा है, मार्जिनल प्लासेंटेशन। और हम फ्लोरल डायग्राम के बियॉन्ड पोस्टीरियर एंड पर एक डॉट बनाते हैं, दिस डॉट रिप्रेजेंटिंग मदर एक्सिस, दिस डॉट रिप्रेजेंटिंग मदर एक्सिस। सोलेनेसी में आते हैं, पांच पेटल सेपल है, एक दो तीन चार और पांच, सो यहां पर पांच सेपल है, थोड़ा देखिएगा, पांच सेपल के बाद एक दो तीन चार पांच पेटल, पेटल को हम कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये हो गए पांच पेटल, पांचों सेपल गैमोसेपैलस, पांचों पेटल गैमोपेटलस, हम यूनियन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये गैमोसेपैलस गैमोपेटलस कंडीशन हुआ। और यहां स्टमेन एपिपेटलस होता है, तो स्टमेन ये यहां पर अटैच्ड मैंने दिखा दिया, पांच स्टमेन है, स्टमेन आपस में यूनाइटेड नहीं है। और थोड़ा सुनिएगा, ये है ओवरी, ओवरी बाइलॉकुलर होता है, ओवरी यहां पर बाइलॉकुलर होता है, फॉल्स सेप्टम, सॉरी फॉल्स सेप्टम यहां पर नहीं होता, फॉल्स सेप्टम तो जो है ब्रेसिकेसी विल, बाइलॉकुलर ओवरी होता है और एक्सिस पर सीड्स होते हैं एक्जाइल प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया सेपल गैमो है, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया पेटल गैमो है, ये है स्टमेन जो जो है पेटल से अटैच्ड है, ये ओवरी है, ओवरी बाइलॉकुलर है, ओवरी बाइलॉकुलर है, और ये ओव्यूल, ओव्यूल जो है एक्जाइल प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। पोस्टीरियर एंड पर मैंने डॉट रिप्रेजेंट किया, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मदर एक्सिस, समझा कि नहीं बताइए प्लीज। तो ये था कंडीशन, गैमो को जो है हम थोड़ा अटैचमेंट, अटैचमेंट आप थोड़ा ये ऐसे करो या सिंपल ऐसे कर्व कर दो, अटैचमेंट सिंपल होना चाहिए, वॉल्वेट एस्टिवेशन यहां पर भी है, ठीक है। तो ये रहा फेबेसी, ये रहा सोलेनेसी, लिलियसी देख लेते हैं, ये रेस करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिलियसी में तीन टेपल बाहर तीन टेपल अंदर, ठीक है, तीन टेपल बाहर और तीन टेपल अंदर, थ्री प्लस थ्री सिक्स टेपल हो जाएंगे, हर एक टेपल एक दूसरे से अटैच्ड है, ये इससे ये इससे ये इससे, हर एक टेपल अटैच्ड है एक दूसरे से, ठीक है। नाउ तो टेपल हो गया, टेपल को हम थोड़ा कोन शेप में दिखाते हैं, थ्री टेपल्स आउटसाइड एक्सटीरियर है, थ्री टेपल्स इंटीरियर है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है, जस्ट टचिंग है, अटैचमेंट है, थोड़ा सुनिएगा। नाउ यहां पर ये एक एंथर, ये दूसरा एंथर, ये तीसरा एंथर स्टमेन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, जहां पर जो है मैंने अटैचमेंट दिखाया वहां से जो है सिक्स बाहर की तरफ और सिक्स अंदर की तरफ, यहां पर ओवरी, ओवरी जो है ट्राइलॉकुलर है, ओवरी ट्राइलॉकुलर है, ठीक है, ओवरी ट्राइलॉकुलर है अंदर से, और एक्जाइल प्लासेंटेशन, ये एक्जाइल प्लासेंटेशन। सो ये मैंने बोला एक्सटीरियर पे टेपल है, एक्सटीरियर टेपल, ये एंटीरियर टेपल अंदर की तरफ, एंटीरियर टेपल, ठीक है, इपिटेपेलस स्टमेन, इपिटेपेलस स्टमेन, ओवरी ट्राइलॉकुलर, तीन लॉक्यूल्स अंदर रहेंगे,
ठीक है, हर एक लॉक्यूल इंडिविजुअल ओवरी और इंडिविजुअल जो है लॉक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओव्यूल, ओव्यूल एक्जाइल प्लासेंटेशन, ठीक है। यहां पर मैंने बना दिया मदर एक्सिस, मदर एक्सिस, ठीक है। सो ट्राई कार्पलरी है, तीन कार्पेल्स हैं, तीनों फ्यूज्ड है, इसलिए मैंने जो है तीन कार्पेल, हर एक कार्पेल का एक एक लॉक्यूल, तो ट्राइलॉक्युलर रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ठीक है। तो ये था फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला। अब आई नीड योर अटेंशन, एनसीईआरटी थोड़ा पढ़िएगा जब, तो थोड़ा वहां पर दो 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 काम कर लीजिएगा प्लीज, अलग से नोटबुक बनाइएगा उसमें, अलग से नोटबुक बनाइएगा उसमें, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम रूट टिल द फैमिलीज, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड एग्जाम्पल, एक ये काम जो है कर लीजिएगा, कट शॉर्ट कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। दूसरा एग्जाम्पल, ये थोड़ा जो है माइंड कंज्यूमिंग है, एग्जाम्पल कितने अलग अलग टर्म में यूज हुए हैं,